नमस्कार भाई। दोस्तों भाई, जैसे कि मैंने बताया था कि मंगलवार से ज्वाइनिंग है मेरी, और भाई मेरा पहला दिन कैसा रहा? पहला दिन तो भाई क्या बताऊँ, बस इतना दिमाग ख़राब होया क्योंकि मैंने वो इतना दिमाग ख़राब होया मेरा कि मैंने अगले दिन की फिर इमरजेंसी लीव अपनी लगा दी। और आज मैं बृहस्पतिवार को आया हूँ, तो पहले दिन तो भाई इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, बस क्या बताऊँ। एक तो जो नया नया बंदा जो इसमें लगा है ना, उस तो एक के बाद एक मतलब एडवांस में राइड दे देंगे। एक राइड ख़त्म करी, उस तो पहले जैसे उन एंड करेगा, एंड राइड करेगा, इतने में दूसरी अपना शो कर देगी। एडवांस मैं भेज देंगे आपके पास में, ठीक है। पहले दिन में तो इन्होंने मेरे तो बाथरूम करने का भी टाइम नहीं दिया, और पहले दिन में मैंने इन तक काम करके दिया 2214 रुपये का, ठीक है, जिसमें कि मैंने 8 ट्रिप करी थी इनकी। और सुबह चालू था मेरा 8 बजे तक ले गए, और रात के 9 बजे तक, और बीच में 2 घंटे का गैप था, 2 बजे तक 4 बजे तक। तो 9 बजे के बजाय मेरा मेरी मैं कब फ्री होया, 10:30 बज गए थे मैंने, क्योंकि मैं दूर इतना था आना, मैंने सेक्टर 99 था, और मैं था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, तो वहाँ था आना मैं 50 किलोमीटर दूर था मैं। एक तो यो होगा जिस त्रिया ड्यूटी ख़त्म होगी ना, और राइड चलने लग रही है, उस राइड के ख़त्म होते के साथ में आपने सीधी हब की लोकेशन दे देंगे, चाहे आप धरती के कोई से कोने पर हो, 50 किलोमीटर हो, चाहे उससे ज़्यादा किलोमीटर दूर हो, सीधी हब पर पहुँचना है आपने। और ठाक अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। एक इसमें झंझट इतने हैं कि चार्जिंग का जो हमने 2 घंटे मिले हैं ना, इसमें जो क्लास में बताओ 2 घंटे चार्जिंग करनी है भाई, वो 2 घंटे चार्जिंग, एक बात बताओ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं गया अपनी गाड़ी, मेरी बैटरी 30% हो गई थी, ऑटो पाउज लग गया था, ड्यूटी नहीं आएगी, और नियरेस्ट जाकर अपने लोकेशन सेंड कर दी थी, जाकर चार्जिंग कर लो। तो गाड़ी चार्जिंग करने में ना वहाँ पर पहुँचा तो मेरा नंबर आया 28वां नंबर, तो और 28वां नंबर उसके बाद और गाड़ी आ गई, मतलब नंबर पहुँच गया था 35-40 के आसपास में। और चार्जर कितने, अब मैं सिर्फ 2 चार्जर फास्ट चार्जर जो थे वे 2 ही थे, और बाकी स्लो पे सारी गाड़ी लगा रखी थी। मेरे तदीन ने एक्सम प्लस वेरिएंट जो 150 किलोमीटर चल रहे हैं, और जो XR है वो चल रहा है 250 के आसपास में, ठीक है। और चार्जिंग की इतनी मारा मारी है ना, टोकन मिला था, टोकन के हिसाब से चार्जिंग करी, और जब भी फुल चार्ज ना करने दी, ठीक है, जो 2 घंटे थे उसमें कोई चार्ज वार्ज ना करा, 1 घंटा तक बैठ कर वेट करा, और उसके बाद में आधा ये लगा लो 40 या 45 मिनट मैंने अपनी गाड़ी चार्ज करी है, बस 80% करी, और बोले हटा दो, ठीक है। चार्जिंग की बहुत मारा मारी है, बहुत सरदर्दी बहुत ज़्यादा भाई इसमें, अगर पैसे कमाने हैं तो सोच समझ कर आइयो इस पर। मैं तो अपनी नौकरी छोड़ के इसमें आकर फंस गया, ये लगा लो एक तरह से, ठीक है, क्योंकि वैसे पूछा थे कोई कुछ बता रहा था, कोई को हम तो इतने कमा, सच्चाई कोई ना बता रहा था, और जो इन्होंने वो खोल रखी है ना, अगर भर्ती करते रहो भर्ती बंद ना होती, क्योंकि भर्ती इसलिए बंद ना होती, अगर जो ड्राइवर भाई है ना अपने, वे कुछ दिन काम करे हैं यहाँ पे, और फिर छोड़ के चले जाएँ यहाँ पे, वो जगह वैकेंसी खाली होती रहे, क्योंकि सर इसमें गाड़ी लग जाएगी, कोई और भी गाड़ी मार देगा इसमें चलती हुई में, तो 1000 रुपये डेबिट है उसका, हर चीज़ के इसमें 1000 रुपये अपना डेबिट मार दे हर चीज़ में, ठीक है। अगर चेक इन चेक आउट लेट करा या जल्दी कर लिया, गाड़ी 60 तो ऊपर चलाई, उसका डेबिट, मतलब बहुत ज़्यादा सरदर्दी है इसमें। अगर अपना दिमाग ख़राब करना हो ना तो आज ही ऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं, एक हफ्ता मैं गाड़ी चला कर देखता हूँ इसमें कितनी मैंने अर्निंग होती है, जिसमें तो एक छुट्टी मैंने मार ली इसमें, 6 दिन का था काम मेरा, और 1 दिन की मैंने छुट्टी एक्स्ट्रा मार ली, मेरे बच गए 5 दिन, अब संडे तक है, उसके बाद मैं शुक्रवार ना मैं दोबारा अपना स्लॉट भर दूँगा, ठीक है। स्लॉट और टाइमिंग जो हैगी इसकी, वो गाड़ी के हिसाब से है, कौन सी गाड़ी लेना चाहो, ज़्यादा किलोमीटर की गाड़ी लेना चाहो है XR, जो कि ज़्यादा चल रहा है इनमें, समझ ज़्यादा अगर उसने लेना चाहो तो वो 12 घंटे तक कम में नहीं है, इसमें यो झंझट है। उस गाड़ी के चार्जर मिल जाते हैं अब पे आराम, तो वो चार्ज हो जाती है XR। अरे जो XM प्लस जो वेरियंट है, इसने चार्जिंग करने में बहुत परेशानी हैगी, इसकी टाइम तो बहुत लाइन लग गएगी, ठीक है। गाड़ी टाइम पर चार्ज ना होगी तुम ऑटोमेटिकली काम ना कर पाओगे, क्योंकि थारी गाड़ी में चार्जिंग क्या मत है, तुमने राइड ना मिलेगी, ठीक है। कम बैटरी ज़्यादा चढ़ा दी, और जब राइड पर चले गए तो फिर गाड़ी कहीं खड़ी हो जाएगी जाके, तो जब गए राइड पे, ठीक है भाई। तो इतना ही था, इसमें पहला दिन मेरा बिल्कुल बकवास गया, सरदर्दी लिए मैंने और कुछ नहीं करा हटा के, ठीक है। अगर सरदर्दी लेनी है तो आ जाइयो, नहीं लेनी है तो मत ना आइयो। और अर्निंग में एक हफ्ते की इसमें और था तो बता दूंगा कितनी रही, ठीक है भाई। नमस्कार, बस यो था आज का जो भी था भाई।